हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जीवन शिक्षा से परीक्षा तक। कैसे हो आप सभी? मस्त होगे, स्वस्थ होगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम जो करने वाले हैं 15 मई और 17 मई का करंट अफेयर करने वाले हैं। 16 मई को तो संडे था तो उस दिन कोई खबर होती नहीं है। 15 मई और 17 मई का करंट अफेयर हम करने वाले हैं आज, ठीक है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इस वजह से आपको मैं करा नहीं पाया, बट कुछ ज्यादा खबरें है नहीं, 6 या 7 खबरें होंगी जिनको हम 6 या 7 मिनट में ही कवर कर देंगे, क्योंकि हमें जल्दी करना है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातों को जानना है। तो पहली खबर के बारे में बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइस 2021 किसको दिया गया है, इसके बारे में हमें जानना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो किसको दिया गया है, डॉक्टर शकुंतला डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को यह अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 का, ठीक है। अगर इस अवार्ड की बात करें तो स्टार्ट कब हुआ था, 1986 में यह अवार्ड स्टार्ट हुआ था। पहली बार 1987 में दिया गया था और पहली बार किसको दिया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और दिया किसको गया था, अंतरराष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है, दिया किसको गया था, इंडिया के हरित क्रांति के जनक, किसको, एमएस स्वामीनाथन को 1987 में दिया गया था। बनाया किसने था यह अवार्ड, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। इसके बाद अगर बात करें हम, अगला अवार्ड ही ज्यादा दिए जा रहे हैं आजकल, और तो किसी के पास कुछ काम बचा है नहीं। हम ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, तो ये भारत की ऑर्गेनाइजेशन IREDA को दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है, बाय ये इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, मतलब जो बिजनेस का चैंबर है ना हमारे देश का, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ये अवार्ड दिया है, ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 IREDA को ये दिया गया है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम, मैं इसको इरेज कर देता हूं, जब तक आप वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट कर लेना और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। इसके बाद बलजीत कौर, पहली वुमेन बनी है, फर्स्ट वुमेन जिसने पोमोरी पीक आप गूगल पर डालोगे तो आपको दिख जाएगी, ठीक है, हिमाचल से थोड़ा सा आगे है और तीसरे मतलब 7000 कुछ मीटर की इसकी ऊंचाई है पोमोरी पीक को। बलजीत कौर ने, पहली महिला है जिसने इसकी चढ़ाई की, मतलब इसको टॉप पॉइंट पे पहुंची है पोमोरी पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर भी। इसके बाद अगर एक अवार्ड और दिया गया, विटले अवार्ड, अगले खबर की बात करें तो विटले अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें अगर बात करोगे तो किसको दिया गया है, ये नुक्लुफोंग, ये कहां के हैं, ये इंडिया के ही हैं, नागालैंड के। नुक्लुफोंग कहां के हैं, इंडिया के, नागालैंड के। इनको ये विटले अवार्ड 2021 दिया गया है, पहले इंडियन है। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है इस अवार्ड को, विटले अवार्ड 2021 को, ठीक है। इसके अलावा अगली खबर एक और रह गई है बस, जो इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए, इन्वायरमेंट। आजकल ज्यादातर इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही खबर आ रही है, क्योंकि वैसे तो आज है तो उससे ज्यादा काम तो लॉकडाउन ने बंद कर रखे हैं। इन्वायरमेंट रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021, ये रिपोर्ट हो रही है, इन्वायरमेंट रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021। तो इसमें क्या है, एशिया की जितनी भी सिटी है ना, मतलब जो इसके अंदर सिटीज डाली गई है, सारी सिटी कौन से कॉन्टिनेंट से है, एशिया से, और हमारे इंडिया की 43 सिटी है रिस्क कैटेगरी में। और अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड की जो है वो तो है जकार्ता, कहां पे है, जापान में, जकार्ता,
जो सबसे ज्यादा रिस्क में, क्योंकि यहाँ पे भूकंप हाई टाइड वगैरह आते रहते हैं। उसके बाद अगर इंडिया की बात करी जाए तो दिल्ली सबसे ज्यादा रिस्क पे इसके अंदर बताई गई है, और विश्व में इसकी रैंक जो है सेकंड है। पहले नंबर पे कौन है? जकार्ता। दूसरे नंबर पे दिल्ली, और भारत में बात करें तो पहले नंबर में दिल्ली। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे जो आपको याद रखने हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं क्लासेस अब छोटी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा करंट अफेयर मेन आने रहे हैं। ज्यादा करंट अफेयर आएंगे तो फिर आपको मैं ज्यादा भी कराने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर देना बस। थैंक यू।